गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो चुका है और थोड़ा सा वीडियो लेट में बन रहा है, मतलब ये 6 बजे का बना है और हम उठे हैं 5 बजे ही। तो हम फ्रेश व्रेश होने के बाद अगर मन को शांत रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और हर एक्टिव रहना है पूरे टाइम आपको, तो ये मॉर्निंग में उठना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें भी और आप सभी को। तो थोड़ा बहुत योगा वगैरह हुआ और यहाँ पे बालाजी का न्यू मतलब यहाँ पे मंदिर पे लगाया गया है। तो सुबह की दिया बाती मम्मी ने यहाँ पे कर चुकी हैं, 5:30 का टाइम हो रहा है। मेरा भी यहाँ पे नहाना धोना ये सब हो चुका है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सुबह उठने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है, क्योंकि पूरे दिन फुल एनर्जी में आप काम करेंगे ना, थकेंगे भी नहीं और आप पढ़ाई में मन लगेगा, हर चीज़ में मन लगेगा। अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, एक्टिव रखना है, तो ये चीज़ें आप भी करना शुरू करें जो नहीं करते हैं। वैसे सुबह उठना ही सबके लिए लाभकारी होता है, हमारे लिए भी नहीं, सबके लिए, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ करनी चाहिए। और जब सुबह आप उठे ना तो अलग से एक फ्रेशनेस जो होती है ना बॉडी में, ठंडी हवा जो लगती है वो बात अलग है, वो आप बता नहीं सकते इतना अच्छा लगता है। तो आप सभी को चाहिए अपने मन को शांत एकदम, जो नहीं उठते हैं एक बार उठ के देखिएगा तो वो आपको खुद ही अच्छा लगेगा, आपको एकदम पूरे टाइम बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। आज मैं पूरे टाइम फुल एनर्जी के साथ काम की हूँ और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, सबसे बड़ा तो ये काम हो गया। दूसरी बात, अगर आपका मन नहीं लग वही रहा, जैसे ना एक होता है कि अगर लेट से उठे तो एकदम लेजी सा रहता है, वो सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं थी ऐसे। एक्चुअली तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, कभी कभार मैं लेट में उठती तो उस टाइम का मेरा जो दिन होता है ना बहुत ही ख़राब जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग भी उठें जो नहीं उठते हैं, और जो उठते हैं वैसे तो जो मतलब जॉब वगैरह जाते होंगे और जितनी भी हाउस वाइफ हैं बहुत ज़्यादा लेट उठती होंगी, तो 6 बजे तक उठती होंगी, और नहीं तो अपना अपना भाई अलग अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं और देख रहे हैं आप मेरा सारा काम भी फटाफट होगा। और आज मेरा मन किया साड़ी पहनने का, तो ये सुबह का जो है ब्रेकफास्ट बन रहा है, मैंने सिंपल सा बनाया था तो इसलिए मैंने आपको कुछ खास दिखाया नहीं है। उसके बाद आराध्या को रेडी शेडी करना, उनको नहलाना धुलाना, ये सब सारा काम हो रहा है। और अपना मन जो है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि नहीं आज ये चीज़ मुझे नहीं करता, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है वही सारी चीज़ें करते करते, क्योंकि हाउस वाइफ हम लोग जो होते हैं ना पूरा टाइम समय निकल जाता है, ऐसे भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये जो मैं सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 10:30 तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बाकी रहता है, सारे काम हो जाते हैं। तो कल के वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैं अपना काम इतना मतलब उससे करती हूँ जो मेरा फटाफट काम हो जाता है। तो ये तो फायदे थे, पहले तो आप योगा वगैरह भी कर लेंगे अच्छे से, अपने लिए समय भी निकाल पाए। 1 घंटा अपने लिए समय इंसान अगर ना दे तो समझ लो पूरा जीवन व्यर्थ है। 24 घंटे में 1 घंटे अपने लिए, तो समथिंग मैं आधे घंटे अपने लिए निकालती हूँ, 1 घंटे कभी कभी। आज तो मेरा 1 घंटा गया, क्योंकि आज सुबह उठी तो बहुत ज़्यादा, और गर्म पानी वगैरह पीना, ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। और मन को शांत रखना है अगर, हाँ जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जैसे आपको बोरियत लगता है और कभी कभी मन अजीब सा होने लगता है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ जब सुबह आप उठोगे ना तो बिल्कुल भी नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं माइंड में बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें ही हमारे ऊपर एक मतलब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सो गाइस, अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और 10:30 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। और आज मैं हूँ साड़ी में, देख रहे हैं ना, मैं साड़ी में हूँ। आज मेरा मन था साड़ी पहनने का, तो सुबह सुबह ही नहाना धोना अब तक मैंने जो शेयर किया है। और एक चीज़ और बताइए, अगर आलस आपको ख़त्म करना है तो सुबह आप 5 बजे तक उठ जाइए, समथिंग बहुत लेट करेंगे तो 5:30 तक उठ सकते हैं। वैसे आप, मैं आज उठी हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और पूरे टाइम इतना जल्दी मेरा काम भी हो गया और मुझे इतना भी आलस नहीं आया है। तो अभी सिर्फ लंच बनाना, लंच मैं अगर चाहती तो उस टाइम मैं बना भी सकती थी, लेकिन खाने का कोई वही नहीं था, क्योंकि गर्म खाना खाने का स्वाद ही अलग रहता है। तो आप लोग, ये जो मेरा ब्लॉग है कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप वॉच भी कर रहे हैं देख भी, और जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं देंगे तब तक मेरा मन वो है। तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो कमी है जो अच्छाई है किसी भी वजह से, अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को फुल वॉच करें, सब्सक्राइब भी करें। आते हैं व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके ही जाइए।
और आप लोग के सपोर्ट के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर कोई इंसान यहाँ पे यूट्यूब पे आता है या कोई भी काम करता है ना, तो एक इसका अलग ही वजह रहता है, किसी न किसी वजह से कोई रहता है, तब इंसान कुछ आगे करने का। तो मैं भी सोच रही हूँ, मैं हाउस वाइफ हो के भी कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। और बस चलती हूँ मैं नीचे, अब 1 घंटे बाद मैं अपना जो है ना लंच का प्रिपरेशन करूँगी, और सारे काम मेरे वहाँ के हो चुके हैं। तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और मैं कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा मुझे। और उसके बाद मैं नीचे थोड़ा सा ये मतलब जो है ना पानी वाला, हम लोग सुबह मॉर्निंग के पानी जो पीते हैं ना पीतल वाले, इसमें जग में पीते हैं, उसका पानी बहुत ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। आप गर्म पानी ना पिए तो आप जिसे आप रख लें, तो आप सुबह मॉर्निंग में 2-3 गिलास ये आराम से पी सकते हैं। तो हमारा परमानेंट का काम है कि जो मैं गर्म पानी कभी कभी पीती हूँ, नहीं तो पीतल वाला पानी पी लेती हूँ। जितना आपका गर्म पानी फ़ायदा करता है बॉडी के लिए ना, उससे कई गुना ये पीतल के जो जग में पानी होता है वो आपके लिए सही है, आपका स्वास्थ्य बहुत। तो बस फुल एनर्जी के साथ दोपहर टाइम में भी आपको मैं मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, चावल बनेगा और सब्जी बनेगा, क्योंकि सुबह का नाश्ते में ही सब्जी एक मैंने बना ली थी, एक सब्जी आलू और सोयाबीन के फिर से बनेगी। तो वो सारी चीज़ें रेसिपी वगैरह कुछ देना नहीं था, बस वैसे नॉर्मली खाना बना रही थी। तो आज मेरा वीडियो बनाने का मन था और साड़ी वगैरह पहन के, तो आपको कैसा लगा जो मैंने चीज़ें सारी बताई हैं, एक बार आप नोटिस करिएगा तो आपके लिए बहुत ही सही होगा। मेरे कहने पे एक बार उठ के देखिएगा, वो मतलब वो ताजगी बॉडी में। तो यहाँ पे बस आलू वगैरह मैंने फ्राई कर दी है, और जो मसाला है वो भी, सब्जी मेरी हो रही है तब तक मैं चावल इधर मतलब साफ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने अमूल का गोल्ड एक रख लिया है, यहाँ पे आज मैं पनीर बना मतलब फाड़ूंगी, तो आपको मैं वही बता रही थी। तो मैंने दूध ले लिया, गर्म कर लिया, और नींबू के रस से मैं फाड़ूंगी, बहुत विनेगर वगैरह से भी फाड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें से फाड़ते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ नींबू से फाड़ते हैं, इतना अच्छा पनीर बनेगा कि आप देखिएगा। तो 1 लीटर दूध में मैंने 1 नींबू का पूरा रस निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद आपको अच्छे से इसको छान लेना है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर वीडियो कहीं भी पसंद आए तो प्लीज़ गाइस आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, और जब तब भी मेरा मन करेगा जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे अपना, जो भी चीज़ें हमारे वीडियो में कहीं भी पसंद आ रही ना, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ नींबू निचोड़ दिए हैं और छान भी दिए हैं, और दूध मेरा एक बॉयल आ चुका है, और इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डाल के चलाते रहिएगा कि अच्छे से ये फट जाए। तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब 2-4 ड्रॉप डाला है, तो इतना फटा है, अभी पूरा डालूंगी तो एकदम अच्छे से फट जाएगा। तो ये कहीं जाइएगा नहीं, अभी पूरा देख लीजिएगा, ये देखिए फट गया है, और अब और अच्छे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से मतलब फट जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। तो ये देखिए पनीर बन के हो गई है मेरी रेडी, मैंने छान के रख दिया। अब इसको कपड़े में, कॉटन कपड़े में अच्छे से निचोड़ के फिर रखना है मुझे एक भारी चीज़ के साथ, पानी अच्छे से निचोड़ लेना। और इसका स्वाद ही बहुत अच्छा आ रहा था, घर की पनीर फ्रेश वाली वो अलग बात होती है, जो मार्केट का होता है अलग होता है। तो ये मैंने समथिंग यहाँ पे निकला होगा 250 या 200 ग्राम पनीर, तो अच्छे से मैं सूती कपड़े में ना इसको निचोड़ लूँगी जो भी पानी बचा होगा। और उसके बाद सिलबट्टे का जो लोढ़ा होता है, लोहा कह रही हूँ, लोढ़ा जो होता है उसके नीचे दबा दूँगी, और ये इसका जो शाम को ही पनीर बनेगी, हो सकता है मेरे यहाँ पर एक पोटली बन चुकी है। अब इसको रेस्ट के लिए 2 घंटे के लिए रख देती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए।